बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ ऋषि पटेल एंड मैं फिर से एक वर्कआउट वीडियो के साथ हाजिर हूँ। एंड आज हमारा लेग वर्कआउट रहेगा। तो लेग वर्कआउट में मैं मेनली लेता हूँ कंपाउंड मूवमेंट्स एंड आइसोलेशन मूवमेंट्स में एक दो ही रखता हूँ, क्योंकि लेग्स ग्रो करने हैं आपको तो आपको कंपाउंड मूवमेंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है रदर देन आइसोलेशन मूवमेंट्स लाइक स्क्वाट्स है, लंजेस है, इन सब के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। एंड आइसोलेशन इम्पॉर्टेंट है बट कंपाउंड मूवमेंट को आप छोड़ना नहीं है। लाइक बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो कंपाउंड मूवमेंट को छोड़ देते हैं क्योंकि वो डिफ़िकल्ट होते हैं, कि स्क्वाट्स में एनर्जी लगती है, लंजेस में ज़्यादा एनर्जी लगती है, दोनों में इतनी एनर्जी लग जाती है कि बाकी वर्कआउट नहीं कर पाते और या फिर हार्ड लगता है उन्हें। तो लोग ये दो वर्कआउट छोड़ के सीधा लेग एक्सटेंशंस पे चले जाते हैं या लेग कर्ट ज़्यादा करते हैं। मगर अगर आपको स्ट्रॉन्ग एंड वीक लेग्स चाहिए, मस्कुलर लेग्स चाहिए या फिर स्ट्रॉन्ग लेग्स चाहिए, तो आपको ये स्क्वाट्स एंड लंजेस नहीं छोड़ने हैं। आपको ये मैंडेटरी एक्सरसाइज है कि आप स्क्वाट्स एंड लंजेस करें। अब आप स्क्वाट रैक में करें, फ्री वेट स्क्वाट करें या फिर स्मिथ मशीन स्क्वाट करें, जो करना है आप कर सकते हैं। बट मैं प्रेफर करता हूँ कि स्क्वाट रैक में मैं स्क्वाट्स करूँ, क्योंकि मुझे स्टेबिलिटी और बहुत सारी चीज़ें चाहिए एंड मैं पावर लिफ्टिंग का भी सोच रहा हूँ अभी। सो लेग एक ऐसा मसल है जो लोग बहुत ही ज़्यादा स्किप कर देते हैं, या फिर लेग डे हमेशा लोग स्किप ही करते हैं, मोस्टली लोग स्किप कर देते हैं। बट अगर आपको एक अच्छी प्रोपोर्शनल फिजिक चाहिए और आपको अच्छा दिखना है तो आपको लेग्स भी ट्रेन करने पड़ेंगे। सो एक कोट है कि लेग डे करने के लिए ना एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग मेंटालिटी चाहिए, क्योंकि लेग डेज में सबसे ज़्यादा मेंटल आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है कि आज लेग डे करना है, क्योंकि लेग डे बहुत पेनफुल होते हैं। लेग डे में एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है क्योंकि लेग्स हमारे हार्ट से दूर होते हैं, ज़्यादा दूर होते हैं, तो उन्हें जो ब्लड होता है वो पंप करने में ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट आती है। इसलिए लेग्स वर्कआउट थोड़ा पेनफुल होता है, थोड़ा एग्जॉस्टिंग होता है, इसलिए लोग छोड़ देते हैं। मगर लेग वर्कआउट हमें स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे रीजंस है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग लेग्स। अगर आपको डेडलिफ्ट भी बढ़ानी है तो आपको स्ट्रॉन्ग लेग्स होने चाहिए, आपको अच्छी प्रोपोर्शनल फिजिक चाहिए तो भी आपके लेग्स होने चाहिए, क्योंकि ऊपर देखा जाए तो ऐसे बड़ा बड़ा ऐसे फुला हुआ इंसान दिख रहा है और नीचे देखा जाए तो पतली डंडी सूखी मोमबत्ती सी लेग्स होते हैं उनके। बट लेग्स जब स्ट्रांग होंगे ना तो लोग देख के बोलेंगे भाई ये पक्का स्ट्रांग बंदा है, क्योंकि लेग्स बहुत कम लोग हिट करते हैं जितना हमें लगता है कि लोग जिम जाते हैं। जिम में लोग ज़्यादातर अपर बॉडी करते हैं, लोअर बॉडी पे कोई कंसंट्रेट नहीं कर पाता या नहीं करते हैं, क्योंकि वो एग्जॉस्टिंग हो जाता है या फिर थोड़ा सा हार्ड होता है। मगर लेग डे वर्कआउट को करने के लिए ना एक मेंटली स्टेबल लाइक मेंटली स्ट्रांग पर्सन चाहिए, मेंटलिटी हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए, तब जाके हम एक अच्छा लेग वर्कआउट परफॉर्म कर पाएंगे। एंड एटलीस्ट वंस अ वीक हमें लेग वर्कआउट करना चाहिए। सो हम आज स्टार्ट करेंगे हमारा लेग वर्कआउट। सो पहले तो हम स्ट्रेचिंग करेंगे लेग्स की, क्योंकि लेग की स्ट्रेचिंग बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, कि अगर आपने लेग की स्ट्रेचिंग नहीं की तो आपकी नीज में इंजरी आ जाएगी, बाद में हिप में इंजरी आ जाएगी, हिप मोबिलिटी नहीं है तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा, एंकल में इंजरी आ जाएगी, और बहुत सारे रीजंस हैं कि लेग में जो। एंड स्ट्रेचिंग एक बेसिक थिंग है जो हमें करनी ही चाहिए कोई भी वर्कआउट से पहले, लाइक लेग वर्कआउट हो गया, शोल्डर का हो गया, आर्म्स का हो गया, चेस्ट का हो गया, बैक का हो गया, हर एक मसल के लिए हमें स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा मसल को रेडी होना चाहिए कि हाँ हम वर्कआउट करने जा रहे हैं, तो पहले उसके अंदर थोड़ा ब्लड फ्लो आना चाहिए, तब जाके हम ऐसा मसल रेडी हो जाएगा हमारा कि हाँ भाई अब हम रेडी है, तुम वर्कआउट करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जाके डायरेक्ट ही वेट्स लगाओगे तो तुम्हारे मसल को एकदम से शॉक हो जाएगा कि भाई ये क्या हो गया, मसल रेस्टिंग पोजीशन में अचानक से वर्क करना पड़ा तो वो शायद टूट भी जाए, आपका मसल टियरिंग आ जाएगा या फिर इंजरी ज़्यादा आ सकती है, फ्रैक्चर हो जाएगा बोन को। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें सेफली एक स्ट्रेचिंग प्रोग्राम फॉलो करना है। तो मैं भी अभी स्ट्रेचिंग बताता हूँ लेग की, कि लेग में कौन सी स्ट्रेचिंग करनी चाहिए बिफोर लेग वर्कआउट, एंड उसके बाद हम लेग वर्कआउट कंटिन्यू करेंगे। सो स्ट्रेचिंग में हम पहली चीज़ करेंगे जंपिंग जैक्स, ताकि हमारे पैर में पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ जाए। तो स्टार्टिंग ऑफ हम स्ट्रेचिंग में सबसे पहली चीज़ करेंगे जंपिंग जैक्स। ओके सो ये भी
जंपिंग जैक्स के बाद हम हिप मोबिलिटी पे काम करेंगे। सो पहले हमें लेना है हिप से अप या पीछे लेना है, पहले यहाँ अप लेना है, फिर साइड में लेना है एंड डाउन। ये सर्कुलर मोशन में हमें घुमाना है 10 बार, 10 रेप्स करने ईच लेग पे। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 So after this movement of legs, हमें एक और मूवमेंट करनी है जो कि एक बॉल का हमें सपोर्ट ले रहा है, जैसे कि ये बॉल है, यहाँ पे सपोर्ट लेकर हमें ये हिंज मूव करनी है, जिससे हमें ऐसे आगे पीछे पैर को हिलाना है। एंकल की मोबिलिटी के ऊपर काम करना है। सो एंकल मोबिलिटी के लिए हम लोग एंकल रोटेशन करेंगे, लाइक जो कि हमें स्कूल में कराया जाता था पीटी पीरियड में। एक स्टांस ले लेंगे हमारा स्क्वाट का, स्क्वाट का स्टांस लेना एंड थोड़ा सा जो भी आपका कंफर्टेबल एरिया है, मैं इधर स्क्वाट कर सकता हूँ, लाइक इतना डीप जा सकता हूँ मैं स्क्वाट से। सो इधर होल्ड करना एंड यहाँ पर हमें अपना पूरा बॉडी वेट इस एंगल के ऊपर मूव करना है। हमें कोई भी पैर ऊपर उठाना नहीं है, हमारा पूरा बॉडी वेट हमें सिर्फ यहाँ पर शिफ्ट करना है, जस्ट लाइक दिस एंड सेम इस पैर पर। हमारी हील्स नीचे टच रहनी चाहिए, हमें हील्स ऊपर नहीं हटानी, हमें सिर्फ बॉडी वेट ट्रांसफर करना है एक दो बार बस। क्वाड्स की स्ट्रेचिंग करते हैं, तो ग्रैब योर एंकल फ्रॉम हियर, ऐसे एंकल को पकड़ना एंड स्ट्रेच करना है, पैर को पीछे खींचो, सेम ऑन दी लेफ्ट लेग खींचना, ओके। अब दोनों हाथ को लो एंड दिस, ये ट्राई टू टच योर नी द चेस्ट, चेस्ट की तरफ लेना है। सो नाउ लाइक बॉडी वेट पे स्क्वाट्स करने में 10-15 रेप्स के 3 सेट, ओके। आफ्टर स्क्वाट्स हमें थोड़ी सी मोबिलिटी पे काम करना है, लाइक जो कि बेसिक मूवमेंट्स में हर वीडियो में बताता हूँ, मैं बेसिक स्ट्रेचिंग जो हर वीडियो में बताता करने हैं डेली बेसिस पे, ताकि हमारी हिप मोबिलिटी बनी रहे, हमारा लोअर बैक में कोई इंजरी ना आए, लोअर बैक भी हमारे सेफ रहे। सो फॉर दैट हमें वो हर वर्कआउट के पहले स्ट्रेचिंग करनी है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो जो कि हमारा वर्कआउट का है, तो आफ्टर स्ट्रेचिंग एंड मोबिलिटी एक्सरसाइज हम हमारे वीडियो में आगे बढ़ते हुए पहली वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा रहेगा लेग प्रेस। लेग प्रेस में हम करेंगे 5 सेट और हमारी रेफरेंस रहेगी 8 से 12 रेप, ओके। सो आफ्टर लेग प्रेस मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि हमारी लगी वेटेड स्क्वाट्स। मैं वेटेड स्क्वाट्स करता हूँ, मेरे लिए इजी है, मगर जो बिगिनर्स हैं, जो नए हैं, उनके लिए पहले स्क्वाट की मोमेंट सीख लो कैसे स्क्वाट्स करते हैं, एंड जो वेटेड स्क्वाट नहीं कर पाते उनके लिए फ्री वेट स्क्वाट, लाइक फ्री बॉडी वेट स्क्वाट कर सकते हैं वो लोग। एंड जो बॉडी वेट स्क्वाट से आगे बढ़ चुके हैं, जो वेटेड स्क्वाट कर सकते हैं वो वेटेड स्क्वाट करें मेरे साथ। सो लेट्स गेट इन द वर्कआउट।
सॉफ्ट स्क्वाट्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एक्सरसाइज रही है मेरे लिए। मैंने 3 साल की पूरी जर्नी में सबसे ज़्यादा क्वाड्स और लेग्स ग्रो करे हैं, तो वो स्क्वाट की मदद से। तो नेवर स्किप स्क्वाट्स। स्क्वाट में जितना हैवी लगे, अच्छे फॉर्म के साथ हैवी वेट मारो, आपके लेग्स डेफिनेटली ग्रो होंगे। एंड कंटिन्यू करते हैं हमारे वर्कआउट को। सो आगे हम वर्कआउट में ऐड करेंगे सिंगल लेग लेग एक्सटेंशन के साथ। सो मैं सिंगल लेग इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि माइंड मसल कनेक्शन के लिए ये सिंगल लेग एक्सटेंशन मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। सो हम वर्कआउट फिर कंटिन्यू करते हैं। आफ्टर लेग एक्सटेंशन हमारी चौथी और आखिरी एक्सरसाइज रहेगी लंजेस। सुपर सेट में लेंगे काफ रेसिस को, सीटेड काफ रेसिस, एंड उसी के साथ हम हमारा वर्कआउट खत्म करेंगे। That being said, हम इस वीडियो को यहीं पर रेफर करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट में आपको ज़रूर बताना है कि आपको नेक्स्ट वर्कआउट वीडियो किस चीज़ पर चाहिए। सो इसके साथ चलते हैं, गुड बाय।